हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू विमला विद्यालय ई क्लासेस कॉमर्स प्लेटफॉर्म. डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ लेक्चर इन बीकॉम सेम वन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी वन, यानी कंपलसरी अकाउंट यूनिट नंबर वन, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस in of consignment account, meaning now let's start consignment account. Which entry we have to taken in a consignment account? Okay, let's see. First, in consignment business, consignor prepare three accounts. First, consignment account. Second, consignee account. Then third one, goods sent on consignment account. Okay? We have to see in previous lecture meaning of consignment account. In here, in our chapter, first we have to prepare a three ledger account. Okay, in here chapter, consignment, consignee, and goods sent on consignment. In the books of the owners, yani consignors, हमें जो लेजर अकाउंट, यानी जो ये तीनों लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट के जो हमारे पास अकाउंट उसमें हमें थ्री लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने, यानी ये तीनों ही अकाउंट हमें यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम के सम्स आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए, उसमें ये तीनों अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होंगे. ठीक है, आगे. फर्स्ट, इन कंसाइनमेंट अकाउंट द एंट्री आर डेबिटेड. फर्स्ट हम देखेंगे ये कंसाइनमेंट अकाउंट. इन कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. आपने 12th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट वैसे हमने देखा था. तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों है. डेबिट साइड कौन सी आइटम्स हमें लिखनी है वो हम लोग देख लेते हैं. इन कंसाइनमेंट अकाउंट द एंट्री आर डेबिटेड. फर्स्ट, व्हेन गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट. हमें फर्स्ट क्या देखना है, व्हेन गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट. यानी मैंने आपको आगे भी बताया था, हम लोग फिर देख लेते हैं. हमारे पास 100 टीवी है, यानी 100 टीवी है, उसका हमें सेलिंग करना है. ईच रुपीस, यानी एक टीवी का 5000 रुपीस है. ओके, ईच टीवी रुपीस 5000, यानी मल्टीप्लीकेशन करके टोटल गुड्स हमारा हो जाएगा 5 लाख रुपीस. यानी ये 5 लाख रुपीस का जो भी है मेरे पास टीवी का जो गुड्स है वो मुझे डिस्पैच करना है सेलिंग के लिए एजेंट को, यानी कि कंसाइनी को. तो मैं यहाँ पे पालमपुर में हूँ और मुझे मेरा गुड्स सूरत में डिस्पैच करना है सेलिंग करने के लिए कंसाइनी को. तो मैं ये जो गुड्स सेंड करूंगी तो उसकी जो एंट्री होगी, व्हेन गुड्स सेंड टू ऑन कंसाइनमेंट, यानी ये जो गुड्स मुझे सेंड करना है ऑन कंसाइनमेंट, ये जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में किस साइड आएगी, डेबिट साइड. समझ में आया आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर. जो भी मैं मेरा गुड्स डिस्पैच कर रही हूँ सेलिंग के लिए, उसका जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो मैं पे करूंगी. वो कौन ओनर पे करेगा, यानी कंसाइनर पे करेगा. ठीक है, ये जो 5 लाख का जो टीवी, यानी जो गुड्स है, मैं सूरत यहां से डिस्पैच करूंगी, लेकिन
ऐसा तो है नहीं कि ये गुड्स अपने आप हवा में चला जाए। ये टीवी बाय बस बाय ट्रेन, ठीक है, हम लोग उसमें ये सब टीवी को भेजेंगे। ओके, ये गुड्स हम वहां पे बाय बस के द्वारा हम लोग डिस्पैच करेंगे। तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा 1000-2000 रुपीस जितना भी होगा वो कौन पे करेगा? ओनर यानी कंसाइनर वो एक्सपेंसेस पे करेगा। यानी मैंने आगे भी आपको बताया था जो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस हम लोग टेकन करेंगे इन डेबिट साइड। यानी ये जो एक्सपेंसेस है जो कंसाइनर पे करेगा, ये जो गुड्स हम सेंड करेंगे उसमें आएगा। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर, डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल इज मेड। थर्ड नंबर है बिल्स रिसीवेबल पे जितना भी डिस्काउंट होगा, यानी जितना भी डिस्काउंट यानी एक लॉस जो डिस्काउंट होगा वो भी हमें वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड उसकी एंट्री आएगी। अभी ये थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। सपोज मैंने यहां से मैंने 100 टीवी तो डिस्पैच कर ली सेलिंग करने के लिए, उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वहां भेजने के लिए वो भी मैंने कर लिया, लेकिन वहां मेरा जो भी प्रोडक्शन था टीवी का वो तो मैंने डिस्पैच कर लिया, ठीक है, भेज दिया वहां पे। लेकिन अभी मैं आगे क्या करूंगी? मेरे पास तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, यानी मेरे पास ऐसे पैसे ही नहीं बचे कि मैं आगे प्रोडक्शन कर सकूं। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं? तो फिर मैंने जो कंसाइनी है जो एजेंट है उसको मैं बताऊंगी कि तुम मुझे एडवांस में कैश दो या बिल्स दो, बिल्स रिसीवेबल दो, दोनों में से तुम मुझे दो जैसे कि मैं अपना गुड्स आगे प्रोड्यूस कर सकूं, ठीक है, जो अपना प्रोडक्शन लेवल है वो मैं कंटिन्यू कर सकूं, मैं स्टॉप ना कर सकूं। इसलिए क्योंकि जब तुम्हारा सेलिंग हो जाए, यानी जो कंसाइन है उसको हमने अपना माल गुड्स बेचने को दिया है, अगर वो पूरे पूरा बेच दे और हमें ये बताए कि और मुझे भिजवाओ तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो स्टॉप नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए हमें जितना भी पैसा चाहिए उसमें हम लोग एडवांस रुपीस कंसाइनिंग से मांग लेंगे। उसके उससे दो बेनिफिट होंगे। क्या? अगर कंसाइनी को हमने जो भी माल दिया है अपने रिस्क पे दिया है, ठीक है, तो उसका थोड़ा भी एडवांस हमें मिलेगा तो हमें अपने हमें सेटिस्फेक्शन होगा। देन सेकेंड वन, वो जो कंसाइनी है वो तो वैसे भी उसको जितना भी अमाउंट मिलेगा सेलिंग का वो क्या करेगा, जितना भी उसका कमीशन काट लेगा, उसने जितना भी एक्सपेंसेस किया है वो काट लेगा, फिर ये जो हमने उसने हमें एडवांस दिया है वो भी काट के हमें रिटर्न जितना भी सेलिंग का प्रॉफिट हमें मिला है वो हमें वापिस कर देगा। तो इसी तरह से वो हमें एडवांस देगा। तो यानी उसने सपोज कि उसने बिल्स दिया या कैश दिया, उसने हमें बिल्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल हमने उसने हमें दिया है, हमारे पास वो बिल्स रिसीवेबल आ गया, हमने सोचा मेरे पास अभी तो पैसे है इसलिए एक दो मंथ तीन मंथ तक वो बिल्स मैं अपने पास रखती हूँ, फिर मेरे पास पैसे की जब तंगी होगी तब मैं वो उसको डिस्काउंट करने के लिए जाऊंगी, ठीक है। तो जो मैंने वन मंथ टू मंथ लेट डिस्काउंटेड किया है तो उसका जो डिस्काउंट का चार्ज होगा वो मुझे यानी कंसाइनर ओनर को वो पे करना होगा, ठीक है। तो वो जो डिस्काउंट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं, द एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी। जिस तरह से कंसाइनर कोई एक्सपेंसेस करता है तो उसकी एंट्री आती है, उसी तरह से अगर कंसाइनी यानी एजेंट उसने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए जैसे कि उसके पास गुड्स आ गए फिर उसने सेलिंग स्टार्ट किया, तो सेलिंग स्टार्ट करते टाइम उसने देखा कि आज उसने आधे टीबी बेचे हैं, फिर वो नेक्स्ट डे कुछ आधे टीबी बेचेगा, तो उसके जो लाने ले जाने के एक्सपेंसेस है वो सब वो पे करेगा। तो वो एक्सपेंसेस भी हमें क्या करना है,
कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन करना है. देन नेक्स्ट वन, कमीशन इज पेड टू कंसाइनी. कमीशन आपको पता ही, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू नो. तो ऑल एक्सपेंसेस आर वी हैव टू टेकन इन अ डेबिट साइड. तो देखते हैं, अगर ये जो कमीशन है वो भी एक एक्सपेंसेस है ओनर यानी कंसाइनर के लिए, तो ऑब्वियसली उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड उसकी एंट्री करेंगे कमीशन के. ठीक है, इफ प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट इज मेड. ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया, अगर यहां से कोई गुड सेंड करेंगे, उस कंसाइनर जो भी एक्सपेंसेस पे करेगा, डिस्काउंट होगा वो भी लॉस ही है. देन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कमीशन है, वो सभी की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगी. और जब भी हम ये लेजर अकाउंट क्लोज करेंगे उसका जो भी डिफरेंसेस आएगा वो डेबिट साइड होगा, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट यानी डेबिट साइड होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट साइड होगा तो क्या कहेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट ऑन लॉस होगा. ठीक है, समझ में आ गया, कंसाइनमेंट अकाउंट के एंट्री आर डेबिटेड. उसी तरह से हम लोग अब क्या देखेंगे, जो हमारी एंट्री है उसकी क्रेडिट साइड की वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, द फॉलोइंग एंट्री आर क्रेडिटेड इन टू कंसाइनमेंट अकाउंट. फर्स्ट, सेल्स इज मेड बाय कंसाइनी. फर्स्ट, अपने 11th 12th में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन ट्रेडिंग अकाउंट वे हैव टू टेक इन क्रेडिट साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस कंपनी. ओके, देखा था हमने, वैसे ही हम लोग लेते थे ना, तो बस हमें यही देखना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट के जो क्रेडिट साइड है वह हमके सेल्स इज मेड बाय कंसाइन, यानी हमने जो माल हमारा बेचा है कंसाइनी को बेचने के लिए, उसे हमें दिया है, तो उसकी जो सेल्स की एंट्री है जो कंसाइनी करेगी वो यहां से माल हमने डिस्पेच किया है, यानी हमारे पास से ये माल कंसाइनी के पास जाएगा, तो फिर उसकी सेल्स की एंट्री कहां पे आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड. ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड वन है, द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम. ओके, ये माल हमने बेचने के लिए कंसाइनी को दिया है, लेकिन ऐसा बना ये पालमपुर से सूरत तक ये जो 100 टीवी है जा रही थी, लेकिन रास्ते में थेफ्ट बाय चोरी हो गई. ठीक है, वन पर्सन ये जो गुड्स है वो चोरी हो गए या डैमेज हो गया या इसे कुछ फायर आग लग गई, तो ऐसा कुछ होगा तो उसका जो भी लॉस है यानी इसका हमने इंश्योरेंस लिया था, तो इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव मिला, सपोज के 10,000 का ये गुड्स है उसमें से 4,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी वाले ने हमें दे दिए, लेकिन जो ये उसके अलावा 6,000 है उसका हम लोग कैसे रिकवर करेंगे, नहीं कर सकते, तो उसका जो लॉस है उसको, वो लॉस को कंसाइनमेंट यानी जो ओनर है कंसाइनर है उससे ही उसको पे करना होगा, तो जो भी लॉस है और जो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम एक्सेप्ट कर रही, जो अमाउंट हमें देगी वो दोनों की एंट्री हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड करनी है. ठीक है, यानी सेल्स की जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिटेड करता है वो उसकी अमाउंट हमें रिसीव होती है उसकी. देन नेक्स्ट वन, जो डैमेज गुड है उसका जो भी लॉस होता है उसकी भी एंट्री हमें किस साइड करनी है, क्रेडिट साइड करनी है. देन लास्ट वन, फोर्थ नंबर, अनसोल्ड गुड्स यानी क्लोजिंग स्टॉक. अनसोल्ड गुड यानी हमने जितने भी गुड्स, यानी देख लो 100 टीवी हमने डिस्पेच किया है कंसाइनी को बेचने के लिए, लेकिन उसमें से 100 में से 60 टीवी हम जो कंसाइनी थी उसने कस्टमर को बेच लिया, लेकिन जो 40 टीवी अनसोल्ड गुड्स वो बचे हैं, तो ये कंसाइनी तो खुद बेच तो नहीं सकती, अभी उसने उससे बेचे ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगी, कंसाइनी वो गुड्स हमें रिटर्न करेगी. ठीक है, वो ओनर को जैसा गुड्स है वैसा ही वो ओनर्स को रिटर्न करती है, यानी वो हमारे
अनसोल्ड गुड्स हुए यानी क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, ठीक है। इफ लॉस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें अगर डेबिट साइड आया तो प्रॉफिट होगा, अगर डिफरेंसेस बचता है अकाउंट क्लोज करते समय तो इफ लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन क्रेडिट साइड, ओके ऑल ऑफ यू, जो भी लॉस आया वो हम क्रेडिट साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसाइनी अकाउंट। आगे हमने जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट देखा उसी तरह से हमें तीन लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, फर्स्ट कंसाइनमेंट, सेकंड वन कंसाइनी, देन थर्ड वन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड वन है कंसाइनी अकाउंट। इन कंसाइनी अकाउंट द अकाउंट इज प्रिपेयर बाय द कंसाइनर इन हिज बुक, यानी ये कंसाइनी अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है कंसाइनर जो हमारा ओनर है उसके बुक्स में हमें ये कंसाइनी अकाउंट सेकंड प्रिपेयर करना है, ओके। यानी जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें हम लोग सेकंड वन कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फॉलोइंग एंट्री आर डेबिटेड इन टू कंसाइनिंग अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, द सेल्स इज मेड बाय कंसाइनी, यानी जो कंसाइनी सेल्स करता है उसकी एंट्री हम लोग सेलिंग की एंट्री कंसाइनी अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड करेंगे, ओके। देन फॉलोइंग एंट्री आर क्रेडिटेड इन टू कंसाइनीज अकाउंट, ये जो ओनली जो हमारा कंसाइनीज अकाउंट है उसमें डेबिट साइड एक ही एंट्री आएगी और वो क्या है सेलिंग की, जो गुड्स उसने कस्टमर को देने के लिए लिए थे वो गुड्स की एंट्री कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड आएगी, ठीक है सेलिंग की। देन अदर क्रेडिट साइड कौन सी आइटम है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट द पेमेंट अमाउंट बिल्स रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, यानी जो पेमेंट जो बिल्स रिसीवेबल एडवांस जो कंसाइनी हमें दे रही है उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे कंसाइनी अकाउंट में हम लेंगे। यानी आपको मैंने बताया था वो एडवांस के बारे में, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास जब पैसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कंसाइनी के पास एडवांस हम लोग कहेंगे उसको कि हम मुझे एडवांस चाहिए यानी बिल्स रिसीवेबल चाहिए, वो 50,000 1 लाख रुपीज से जितना भी हमें अमाउंट देगा उसके एंट्री कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें मेंशन करनी है। द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, सेकंड वन है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, यानी जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब एक्सपेंसेस जो कंसाइनी बाय बिहाफ ऑफ कंसाइनी, यानी जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी पे कर रहा है वो उसकी एंट्री हमें कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखनी है, ठीक है। जो वो गुड्स सेल कर रहा है उसके साथ साथ जो भी एक्सपेंसेस हो गए वही। देन थर्ड वन कमीशन इज पेबल टू कंसाइनी, जो भी कमीशन पे करना है उसकी एंट्री भी हमें कंसाइनीज अकाउंट में क्रेडिट साइड करनी, यानी ये वही एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट वाली। हमें क्या देखना है कंसाइनमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड हमने जितनी भी एंट्री की थी उसकी सेकेंड इफेक्ट कंसाइनी अकाउंट में ऑपोजिट होगी यानी क्रेडिट साइड होगी। ये जो दोनों डील है कंसाइनी और कंसाइनमेंट दोनों के बीच में ये डील हो रही है, यानी जो भी एंट्री कंसाइनमेंट जो जितने भी ट्रांजेक्शन कंसाइनमेंट कर रहा है वही कंसाइनी भी कर रहा है, तो सिर्फ हमें ये देखना है दोनों के अकाउंट में कि कंसाइनी वो जो कमीशन ले रही है तो उसके उसके बुक्स में उसकी कौन सी एंट्री आएगी किस साइड उसकी एंट्री आएगी डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि ये कमीशन पेबल टू कंसाइनी हमें ये कमीशन पे करना है तो उसकी क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। देन डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेब्ट्स है डिक्लेयर्ड कमीशन इन नॉट गिवन टू कंसाइनमेंट, ये भी देखना है हमें। देन लास्ट वन एंड अकाउंट क्लोज एंड द बैलेंस इज पेड, फिर हमें क्या करना है ये जो हमारा कमीशन है एक्सपेंसेस है एडवांसेस है
और जो सेलिंग है, ये सभी को हमें डिडक्ट करके जो हमारी डिफरेंसेस बचते हैं अकाउंट क्लोज करते टाइम, उसको हम लोग क्रेडिट, अगर जो भी डिफरेंसेस बचे क्रेडिट साइड, तो उसको बैंक ड्राफ्ट है, बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसे हम मेंशन कर सकते हैं। यानी क्या करना है, सपोज के मैंने 5 लाख की गुड्स दी है सेलिंग करने के लिए, उसमें से एक्सपेंसेस काट के, कमीशन काट के, उसने हमें जो भी एडवांस दिए वो भी काट करके 2-3 लाख बचे, तो वो बैंक ड्राफ्ट या बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस को हमें कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखने हैं। ओके, समझ में आया? ये था सब सारे कंसाइनी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्री है। देन लास्ट वन है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हम लोग ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें 3 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये लास्ट है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, देख लेते हैं। When goods are sent on consignment, according to this account, the amount and goods sent must be credited. ठीक है, यानी जो हमने 5 लाख रुपीज के टीवी के जो गुड्स थे वो मैंने ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट दिए, यानी जो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड है उसकी ऑपोजेंट्री गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। एंड द एंड ऑफ द ईयर दिस अकाउंट इज क्लोज एंड द ट्रांसफर इन टू ट्रेडिंग अकाउंट। यानी जब भी हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका जो भी डिफरेंसेस आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ गया आपको? ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो लेजर अकाउंट है बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एंट्री नहीं, सिर्फ 1-2 या एंट्री आएगी और जो डिफरेंसेस बचेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, इसी तरह से हम ये दोनों अकाउंट, सॉरी 3, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें कौन सी आइटम आई वो हम आज हमने इस लेक्चर में देख लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे, फिर जनरल एंट्री के बाद उसमें उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल सम से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।